हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू कर्मचारियों के लिए भी नए नियम लागू। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इस दौरान गैर जरूरी कामों के लिए घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। इसके अलावा निजी दफ्तरों में अधिकतम 50% कर्मचारियों की ही उपस्थिति रहेगी। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरियंट के तेजी से बढ़ते केसों के मद्देनजर मंगलवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में इन फैसलों पर मुहर लगाई गई। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक कार्यों की अनुमति होगी, यानी गैर जरूरी आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य सभी सरकारी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम लागू करने को कहा गया है, तो निजी दफ्तरों में अधिकतम 50% उपस्थिति की सीमा लागू रहेगी। दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 4,099 केस सामने आए थे, तो पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 6.46% हो गई। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि 30 और 31 दिसंबर को दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 85% सैंपल में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया। उन्होंने कहा था कि यदि अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ अधिक पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। राजधानी में नए केसों की संख्या और पॉजिटिविटी रेट 18 मई के बाद सर्वाधिक है। डीडीएमए के ग्रेडिएंट एक्शन प्लान के तहत लगातार 2 दिनों तक पॉजिटिविटी रेट 5% से अधिक रहने पर रेड अलर्ट घोषित किया जाता है, जिसका मतलब है टोटल कर्फ्यू और अधिकतर आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगना। दिल्ली सरकार के मुताबिक अभी अस्पतालों में सिर्फ 420 बेड ही फुल हुए हैं, जबकि यहाँ 929 बेड कोरोना मरीजों के लिए तैयार किए गए हैं। 124 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो 7 वेंटिलेटर पर है। जागरूक टीवी की नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।